खबर है खरगोन से, जहां सनावद में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में बीमार मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है, महिलाओं की है। बीमार लोगों को सिविल अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक डिहाइड्रेशन के चलते ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों का कहना है बिना फिल्टर किया हुआ पानी इन्हें दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाइपलाइन के वॉल्व भी लीकेज हैं, जिसके कारण गंदा पानी पाइपलाइन में मिल जाता है और लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इसी पानी के इस्तेमाल से ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। काम चलने को जब इससे पहले चल रहा था 15-16 दिनों का, वो चैनल तो चार चार तीन तीन चार चार बनाते जा रहे थे जगहों पे। वो हाँ भाई, एक बड़ी जगह बना ले और दो छोटे छोटे रख रहा पास में, समझो। हाँ, कम से कम 15-20 हो गए थी लाइन में। वो पाइपलाइन से, ये जो पानी की पाइपलाइन है वो खराब हो रही है। हाँ, वो खराब हो रही है ना पानी, उसी से खराब। हाँ, उसे आ रही हो पानी, नल में भी डोला डोला पानी आ रहा। नगर पालिका के लोग कोई भी नहीं आके, कोई भी नहीं आके। मुझे भी पूछा तुम्हारे नल किधर से काटे तुमने और किधर से तुम ले रहा, वो खुद जुड़ा जुड़ा के दे रहा। जैसे नल काट रहा नहीं तो जुड़ा जुड़ा के वही दे रहा। परसों दिन से आ रहा हमारे यहाँ, जब से तबीयत खराब हो। हाँ, जब से मेरे को हुई थी ना मंगल के दिन, दो तीन चार उछाटे खूब हुई थी। हाँ, मेरे को खूब हुई थी उछाटे। पता नहीं, मतलब बाकी वो सुना कि पानी की वजह से हुई थी, मतलब तकलीफ। तो आपके मोहल्ले में पानी की गंदा आ रही है? हाँ, पानी में तकलीफ है। ये पानी गंदा कब से आ रहा है? अब ये देखने में नहीं आया, मतलब पानी कब से आ रहा है गंदा, आज ये तकलीफ हुई है। हाँ, आज तकलीफ हुई है। और ये कल से लेकर अभी तक 9 केसेस हुए हैं, जिसमें से 2 को रेफर किया है स्टेबल करके पेशेंट को। और ये जो अभी 7 जो आए हैं ये भी ठीक है, इनको मैनेजमेंट पूरा कर दिया है, फ्लूड वगैरह दे दिया है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है। CPR से कैसे किसी की जान बच सकती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण गुना से सामने आया, जहां पर एक शख्स की सूझबूझ से एक युवक को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।